हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है तनीषा मेहरा और आज की रेसिपी है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खुशबूदार बिरयानी मसाला, जो कि आपकी बिरयानी को और बाकी चीज़ों में भी अगर आप डालेंगे तो उसे टेस्टी भी बनाएगा और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी कर देगा। तो चलिए फिर हम जल्दी से देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आपको ले आने हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। 2.5 चम्मच धनिया है, 2.5 चम्मच जीरा है, चक्रफूल या स्टार एनीज मैंने 7 से 8 लिए हैं, 1.5 चम्मच है ये लौंग, 1.5 चम्मच ही काली मिर्च है, 7 से 8 ये मैंने जायफल लिया है, 1 जावित्री ली है, 7 से 8 बड़ी इलायची ली है और 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, सूखी लाल मिर्च 17 से 18 है, 7 से 8 इलायची है और सौंफ 2 चम्मच है और तेज़पत्ता लिए हैं कोई 13 से 15। उसके बाद हल्दी ली है 2 चम्मच, ये देगी मिर्च है ये भी 2 चम्मच है और कसूरी मेथी है 2 चम्मच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब आपने ले लेनी है एक कढ़ाई या फिर एक पैन और जो भी खड़े मसाले हम जिन्हें कहते हैं होल स्पाइसेस जो हैं वो सभी हमने कढ़ाई या फिर एक पैन में धीमी धीमी आँच पर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भून लेने हैं। तो जब आप इन मसालों को भूनेंगे तो आप इसे प्लीज़ चम्मच या कड़छी से चलाते रहिए, अदरवाइज ये जल जाएंगे। तो 10 मिनट के बाद ये रेडी हो गए थे तो मैंने प्लेट में ठंडा होने के लिए इसे निकाल लिया था। अब ये जो दालचीनी और जो जावित्री है उसको मैंने थोड़ा सा डंडा कुंडी में पीस लिया था क्योंकि मिक्सर में चलाने में फिर आसानी होती है। और अब हम इसे डालेंगे इस ग्राइंडर जार में और थोड़ा थोड़ा करके हम ये मसाला अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है और एक बर्तन में से निकाल लूँगी मैं और बाकी का मसाला भी अभी ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। तो ये सारा मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है। तो अब क्या करना है, जो कसूरी मेथी है उसे अगर आप भूनकर किसी चीज़ में डालते हैं ना, हल्का हल्का कसूरी मेथी को धीमी आंच पे हमने किसी पैन या किसी कढ़ाई या सेम कढ़ाई या पैन आप यूज़ कर सकते हैं उसमें ही हमने भून लेना है और इसे भी मिक्सी में चला देना है। इसकी खुशबू और इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है उसके बाद। तो ये भी मिक्सी में चलाकर हमने कसूरी मेथी इसमें डाल दी। अब डाल देंगे हल्दी और देगी मिर्च। आप चाहें तो इस पॉइंट पे नमक भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नमक नहीं ऐड किया था क्योंकि मेरे खाने में इवेंचुअली नमक हमेशा ज़्यादा हो ही जाता है तो वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया था, पर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब इस सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमने इसे छान लेना है। ठीक है, मेरी छन्नी थोड़ी टूट गई थी तो हैंडल इसका एक्चुअली अलग हो गया था, तो हमारी छन्नी ऐसी है, पर आप अच्छी वाली ले लीजिएगा। और इस मसाले को अब अच्छे से हम छान लेंगे और इसके बाद ये जो ऊपर छन्नी के मसाला था इसे भी मैंने दोबारा से मिक्सी में चला लिया था, फिर से छाना था और एक फ़ाइन पाउडर हमारे पास या फ़ाइन मसाला यहाँ पर रेडी है। आप इसे कबाब्स में यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे शाही पनीर बनाते हैं, मलाई कोफ्ता बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, बिरयानी में तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अमेजिंग लगेगी। कोई आप नॉन वेजिटेरियन डिश बनाते हैं तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही रिच मसाला है जो आपके खाने को भी बहुत रिच बना देगा। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए कमेंट कर बताएं कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर ज़रूर इसे शेयर करें और अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सेफ रहें। तो मैं जा रही हूँ इस मसाले को रखने अलमारी में, आप भी बनाइए और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।